बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब दोस्त? वेल जनाब, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं और मैं वीडियो के आगाज़ में ही एक बात कह दूं कि ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस और मेरी ज़ाती राय है, इसको रिलेट ना किया करें बाकी चीज़ों के साथ। और बहुत सारे दोस्त गुस्सा करते हैं, तो यार गुस्सा ना किया करो, कुछ चीज़ें रियलिटी हैं। आप अपने जगह पर रख के बात कर रहे हो और मैं अपनी जगह पर रख के बात करता हूँ। अव्वल तो मैं वीडियोज़ दे ही नहीं रहा हूँ कि इतना कचरा मचा हुआ है, सुबह दोपहर शाम वीडियोस आ रही हैं और बेतुकी आ रही हैं, लेकिन उनको सुनने वाले भी हैं। सो उन सब चीज़ों को एक तरफ रखते हैं, मैं बहुत दफा इन सब चीज़ों का रोना रो चुका हूँ। अभी करंटली जो सिचुएशन है, 99.9% रेशो है रिजेक्शंस की, आपको गवर्नमेंट रेजिडेंसी नहीं दे रही है यहाँ पर, स्पेशली 15th of November के बाद से जितना केसेस गए हैं। अब ये बड़ी ओपनली एक गवर्नमेंट की पॉलिसी महसूस हो रही है, उन्होंने कहीं रिटर्न नहीं बोला, कहीं उन्होंने लिख के नहीं दिया, कहीं उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया, ये क्वेश्चन मुझे मत कीजिएगा। लेकिन टर्किश गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड टू गिव रेजिडेंसी, TRC, PTRP, व्हाटएवर, जो जेंटों ने नाम बनाए हुए ना यहाँ पर शॉर्ट ऑफ रेजिडेंसी के, उन सब के लिए टर्किश गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है। अब चाहे कोई ईरान से है, अफगानिस्तान से है, पाकिस्तान से है, इंडिया से है, बांग्लादेश से है, या आप गल्फ कंट्री से आ रहे हो, ये ऑलमोस्ट 0.0001% चांसेस है कि आपको कार्ड मिले। ये जो लोग रोज ये कार्ड दिखाते रहे, जी ये दो कार्ड अप्रूव हो गए, दो साल का बन गया, कोई आपको डेट नहीं दिखा रहा, सब फेक है, जस्ट लोगों को खींचने के लिए। अभी एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, $1,500-2,000 लिया जा रहा है लोगों से TRC बनाने के लिए, बहुत मजबूरी में। एक दो लॉयर्स के थ्रू मैंने भी बनवा के दिए, जस्ट एक दो, मैं काम ही नहीं कर रहा था इस चीज का, बिकॉज मैं कहता हूं हमेशा से कि TRC ही कोई बिजनेस तो है ही नहीं, ये जॉब है ही नहीं, इट्स जस्ट अ फेवर टू अ न्यू पर्सन जो तुर्की में लैंड कर रहा है, उसको इन चीजों का नहीं पता, तो उसके लिए एक तरह से ये फेवर है। एनीवे जनाब, तुर्की इज नॉट इंटरेस्टेड टू गिव यू TRC, आपको रेजिडेंसी देने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप आ रहे हैं, सिर्फ तीन कंडीशंस हैं, आप आते ही प्रॉपर्टी खरीद लें और आप डायरेक्टली अपना इन्वेस्टर रेजिडेंसी की तरफ जाएं, आप आते ही शादी कर लें जो ताड़ी बुढ़ी इजाजत दे दिए थे, या जो कुआरे हैं, जो कोई पॉसिबल नहीं है, मतलब ये नामुमकिनात के करीब तरीन ऑप्शन है। और तीसरा ये है कि आप अपना कारोबार सेट करें, पाकिस्तान से आप बिजनेस वीजा पे आएं और अपने 90 डेज के अंदर आप यहाँ पे बिजनेस सेटल करें और फिर अपना जो है रेजिडेंसी की तरफ जाएं, उसकी भी कंडीशन डिफरेंट है, उस पर मैं कल एक वीडियो करूंगा। यहां पे कंपनी बना के आगे वीजा लेना, दिस इज टोटली बुलशिट, मैंने कभी इस पे बात नहीं की, क्योंकि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम यहां पर हैं जो ये काम कर रहे हैं और मदद करने की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन पंगे नहीं लिए जा सकते भाई सब लोगों से। सो ये आप वहां से आते हैं, कंपनी बनाते हैं और फिर आपको मतलब आगे से बैन करवा दिया जाता है, वो क्या चीज होती है, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपसे डिस्कस करता हूं। अभी ये वीडियो सिर्फ TRC लेने वाले ख्वाहिशमंद लोगों के लिए है जो ये सोच के आ रहे हैं कि हम तुर्की सेटल होने जा रहे हैं, ये इंतहाई गलत सोच है आपकी। आप यहां पहुंचते हैं टूरिस्ट वीजा पे, आपको टूरिस्टिक कार्ड दिया जाता था 6 माह का, साल का, 2 साल का, उसके ऊपर आप यहां रहते थे, ये प्रॉपर्टी खरीदते थे, कारोबार करते थे, सेटल होने के बाद आप अपना स्टेटस चेंज करते थे, होता वो टूरिस्टिक ही था, जिसपे गवर्नमेंट पूरा हक रखती थी कि किसी भी टाइम आपको उठा के बाहर फेंक दे, आपका वो कार्ड खत्म कर दे। और फिर जैसे जैसे यहां पर मामलात हो रहे थे, चीजें और भी और तरह से खुल के सामने आ रही थी, सबसे ज्यादा कंप्लेन अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन जाब्ता जानदरमा में जो कंप्लेंट्स आ रही थी वो पाकिस्तानियों के आपस में थी, या इंडियंस की टूवर्ड्स पाकिस्तानी थी, या पाकिस्तानियों के अफगानिस्तान के थे, यानी ये हम एशियन जो 4-5 हम साए हैं, हम लोगों ने दिल भर के यहाँ पर सेमी कॉलन में वर्ड है कुतखाना मचाया हुआ था, और उसका एंड रिजल्ट ये निकला। मैं तो पिछले 1.5-2 साल से इसका रोना रो रहा था कि हमारे पाकिस्तानी जो है यहाँ पर एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर आने वाले हर बंदे ने इस चीज को टोटका बना लिया कि भाई सिंपथी वोट लो, चढ़ जाओ। मेरा मकसद था अवेयरनेस देना, और मैं हर वीडियो में कहता था जिसके पास मर्जी जाओ इन पॉइंट्स को फॉलो करो, लेकिन अभी नए नए नमूने, मैं हूं आपका होस्ट ब्ला 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 सब फेक, मैं हूं आपका दोस्त ब्ला 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 सब फेक। अभी यहां पर एक लातादाद लोग हैं जो इलीगल पड़े हैं, जिनको कार्ड कैंसिल हो गए, जिन्होंने प्रॉपर्टियां ली, मेरे अपने बहुत सारे क्लाइंट्स बड़े बड़े तुरंत डूब गए यहां पर, मेरे बहुत सारे क्लाइंट जो थे मेरे जैसे नॉर्मल बंदे के, जिसकी कोशिश ये होती है कि यार एटलीस्ट मेरे कंट्री में जलील ना हो, पैसा बचे भले ना बचे, इसके बावजूद रिजेक्शन आ रही है। और अभी तो मैं 2 माह से आप लोगों ने देखा, ऑलमोस्ट ये 2-2.5 माह बाद मैं वीडियो एक पोस्ट कर रहा हूं, और मजबूरी बन गई है, बिकॉज यहां लोगों को 1500-2000 डॉलर लेके लूटा जा रहा है कि जी आपका कंफर्म बनेगा, कल शाम तक ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। प्रॉपरली गवर्नमेंट ने इस चीज के ऊपर भी कर दिया है कि अब नहीं मिलेगा भाई, स्टोरी खत्म। 4-5 माह सख्ती होगी,
यार ये सब कुछ क्यों हो रहा है, चले इसकी तरफ आते हैं स्ट्रेट वे, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मैं ये मेरी अपनी जाती राय है, ये मेरी अपनी जाती राय है। जिस तरह पाकिस्तान में एक रजीम चेंज करने की कोशिश की जा रही है, एक गंदा तबका, एक घटिया तबका है जो खान को उतार के समझ रहा है कि यानी एक जाती पसंद नापसंद अपनी जगह, लेकिन आप 25-30 चोरों को दोबारा बुला रहे हो, आओ हमारे मुल्क को रगड़ दो पकड़ के, आओ हमें वापिस 20 साल पीछे ले जाओ। मुझे खान साहब से कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन ये आने वाले महीनों में, आने वाले 1-2 सालों में आपको अंदाजा होगा कि ये क्या हाल करेंगे हमारे मुल्क का। अभी नहीं समझ आएगी, ये जाहिल पटवारियों को, जियालों को, पीटीआई के भी कुछ ऐसे नमूने हैं, इनको तब समझ आएगी जब मुल्क तबाह हो रहा होगा। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खा के भी ऐसा कुछ हो, लेकिन इन लोगों से अच्छी उम्मीद नहीं है। पॉलिटिक्स में मैं कभी बोला नहीं हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं, बेइज्जती जलालत तो बड़ी करोगे तुसी सारे रल के, लेकिन अपने वतन के लिए कुछ भी। सो ये यहां पर अभी वही एक सिनेरियो यहां पर भी है। I strongly wish कि तैयब उद्वान अर्ली इलेक्शन में जाए 2023 में, तुर्की मुआहिदा हुसैन के बाद तैयब उद्वान के साथ एंटर हो, ना कि 2023 के फौरन बाद इलेक्शन हो और इसको इमरान खान की तरह एक रिजीम चेंज के उसमें उतार दिया जाए। ये जो कंसोशियम बना है ना, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, ये बड़ा शानदार वो एक कंसोशियम है, और इस कंसोशियम की बुनियाद ही तैयब उद्वान और इमरान खान है। ये दो लोग नहीं है तो पाकिस्तान तो बिल्कुल ही खत्म है ना, इसमें से बाहर है आप लोग, बिकॉज अमेरिका के उठाने में जो लगे हुए आप लोग, कुछ मिलेगा नहीं। ये यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस तैयब उद्वान को फेस करना पड़ रही थी वो ये इमिग्रेंट्स थे, ये टीआरसी पे पलने वाले लोग थे यहाँ पर सारे मेरे जैसे। इसको जब खत्म करने जाएगी गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली एक उनको हाइप मिलेगी कि ठीक है जी, गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो खत्म कर दिया, जो बेइंतहा ट्रॉलियां भर भर के लोग आ रहे थे डिफरेंट कंट्री से, खासकर एशियन कंट्री से, वो खत्म हो जाएगा, बड़ा प्योरीफाई हो जाएगा। सिर्फ वो लोग जिनके पास पैसे हैं, सॉरी टू से, जिनके पास पैसा है, जो प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जो कारोबार कर सकते हैं, सिर्फ उनको इन रहने की इजाजत दी जाएगी, बाकी सबको आई थिंक सो कहेंगे जी गुड बाय। और जिनके कार्ड बने हुए उनको भी खुश होने की जरूरत नहीं, बिकॉज लास्ट 6-8 माह में मेरे पास जितना क्लाइंट आया, मोर देन 500 फैमिलीज को मैंने एंटरटेन किया, उनके रेजिडेंसीज बनी, प्रॉपर्टी लेके दी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सबके मैंने 2 साल के बनाए। लेकिन अभी जो एक र्यूमर आ रहा है, एक फीलर आ रहा है लॉयर्स की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से, वो ये है कि मे बी 2022 दिसंबर में जितना भी टीआरसी बना हुआ है सबको खत्म कर दिया जाए, लाइक 2018 में जिस तरह किया था, मोर देन 40,000 टीआरसी कैंसिल किया गया था, हो सकता है खत्म कर दिया जाए। और जो नए कानून बन रहे हैं, जो नए रूल्स हैं, उनके मुताबिक ये लोगों को कहेंगे जी वापस जाएं, वीजा लें, दोबारा आए, और नए कानून के तहत आपको रेजिडेंसी दी जाएंगी, मुफ्त भरी खत्म होने वाली है। बड़ा आसान तरीका है, आप गवर्नमेंट के जो नए रूल्स हैं बहुत टफ हैं लेकिन पॉसिबल है, जहां आप एजेंटों को इतना पैसा दे रहे हैं वही पैसा आप अपने बैंक में, मुसलसल पिछले 3-4 साल से वीडियोस बना रहा हूं और ये बात कह रहा हूं कि जब भी आप यहां आ गए, कार्ड मिल गया, वेल एंड गुड, ओके, दो काम लाजमी करें, एक चीज अपना जो है आप बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी शुरू करें, वो आपको बहुत हेल्प करेगी, और दूसरा लैंग्वेज सीखें, आपको जुबान आती होगी तो आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाके अपने लिए फाइट कर सकेंगे, वरना वो कहते हैं गिद्ध, दूसरा लफ्ज में साथ नहीं लगाऊंगा, आप कहते हैं ये दफा हो जाओ, मतलब बात नहीं आती तो तुम्हारी क्या बात सुने, आप अपने रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, वो आपको उस तरह रिस्पेक्टिवली नहीं बात करेंगे आपके साथ, अगर आपको बात नहीं आती है, यू नीड टू गेट योर ट्रांसलेटर, उसको पे करेंगे, लेके जाएंगे, उस बंदे की बात सुने ना सुने, लेकिन अगर आपको खुद जुबान आती है तो एटलीस्ट पाकिस्तानियों को बड़ी इज्जत से, बड़े प्यार से बात करते हैं आज भी। लेकिन टीआरसी के लिए अगर आप लोग आ रहे हैं, लास्ट में एक सिंपल सेंटेंस मैं यूज करने लगा हूं, वीजा मिल गया है कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करें 4-5 माह, ये जैसे ही ये हल्ला गुल्ला खत्म होगा 2023 वाला, जिन्होंने तो प्रॉपर्टी लेनी है भाई वो तो डिले कर रहे हैं, जितना लेट कर रहे हैं उतना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ जॉब के लिए और टीआरसी लेने के लिए आ रहे हैं वो मत आए, वीजा वेस्ट हो जाएगा ना, कर लो 5-7-6 लाख रुपए यहाँ आके जाया करोगे और कार्ड नहीं बनेगा, उससे तो बहुत बेहतर है यार। हाँ एक चीज जरूर है, आप आए विजिट करें, घूमे फिरे, सैर करके वापस चले जाओ भाई, आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा क्या चल रहा है, और 6-8 माह बाद दोबारा आए जब गवर्नमेंट थोड़ा ईजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए, ये जो जिस तरह पाकिस्तान में कुत्ते मार चल रही है ना सियासतदानों की एक बंदे के ऊपर, ऐसे यहां पर भी बहुत सारी पार्टीज हैं जो तैयब उद्वान की गवर्नमेंट को गिराने के दर पे हैं, और उनकी कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके इसको खत्म करें और हम एक 2023 में अपने अकाओं के हिसाब से एंटर हो। आई स्ट्रॉन्गली विश कि ये इसी गवर्नमेंट के साथ तुर्की इन हो, तैयब उद्वान के साथ ही, और आई विश कि पाकिस्तान में इमरान खान के साथ ही 2023 में एंटर हो, बिकॉज ये 2023 दुनिया बदलने जा रहा है। पटवारियों सोचें, अपने मुल्क के लिए सोचें, लानत भेजें इमरान खान पे, लानत भेजें नवाज शरीफ पे, 2 दफा लानत भेजें फजल रहमान पे क्योंकि वो इस्लाम फरोश इंसान है। अपने मुल्क के लिए सोचें, अपने मुल्क के लिए सोचें एक दफा, हमारे बच्चों का फ्यूचर पाकिस्तान से है, इमरान खान से
जरदारी से, नून लीग से, नवाशी से, इनसे बाद में है, पाकिस्तान है तो सब कुछ होगा। दुआओं में याद रखें, मैंने कभी नहीं कहा बहुत ज्यादा, लेकिन मैं फोर्सफुली कह रहा हूँ, बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नई जितनी वीडियोज हैं 20-25 टॉपिक्स हैं, सारे ही इमिग्रेशन से रिलेटेड हैं, रियल स्टेट से रिलेटेड हैं, और ये जो बिजनेस है यहाँ पे आपके, आप कारोबार जो कर सकते हैं, उससे रिलेटेड है। पहले मैंने खुल के कभी बात नहीं की थी, बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती थी, अभी फोर्सफुली मैं वो वीडियोज डालूंगा जो आपके लिए फायदामंद है और उन लोगों के लिए नुकसानदेह हैं जो आपको चूने लगा रहे थे। नेक्स्ट वीडियो खासतौर पर उन लोगों के लिए जो वीजा यहाँ तुर्की में आके TRC से वीजे का लॉलीपॉप लेते हैं ना यहाँ जेंटों से, उनके लिए। सो सब्सक्राइब करें अगर आपका दिल माने, नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो सारी ही बहुत हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह ताला। दुआओं में याद रखें, आपका अपना दोस्त, अल्लाह हाफिज़।